देख लेना कल का व्लॉग, मेरा ने एडिट कर दिया है। 4 किलो पकौड़ी लाए। योगा सेशन और एक्सरसाइज सेशन हुआ कंप्लीट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज का काम मेरा हो चुका है सुबह सुबह का, तो अब मैं करूँगी मेरी जो मेन पूरे दिन की काम की शुरुआत है वो। और पसीना भी थोड़ा सूख गया क्योंकि पहले मैं करती हूँ एक्सरसाइज और फिर करती हूँ मैं योगा, ताकि थोड़ी जो बॉडी है वो काम भी हो जाए और मेरा पीछे पीछे वर्किंग चालू ही रहे। वो भी मैंने एक्सरसाइज योगा थोड़ा आज से थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि योगा करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे सच में मज़ा ही आ जाता है। अनुलोम विलोम भ्रामरी, कुछ कुछ तो मैंने शूट भी किया आज, बाकी मज़ा अलग है एकदम योगा करने का। एक्सरसाइज में थोड़ा सा यानी वर्क टाइप का लगता है, वर्कआउट है तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, पर योगा करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, ग्रेसफुली मैं कर लेती हूँ। तो अब उठते हैं, नहाती हूँ, बालों में भी पसीना हो गया, पर ऑयलिंग वगैरह करूँ फिर वॉश करूँ ये सोच रही हूँ। मैंने लास्ट ट्रीटमेंट कराया था तब बाल वॉश किए थे, पर बालों में अभी तक शाइनिंग है, आप देख सकते हो, और कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं जब से मैंने ये करवाया ना हेयर ट्रीटमेंट। मैंने तो अब सोच लिया हर मंथ करवाना है अब मुझे, क्योंकि अब मुझे मेरे बाल हेल्दी और अच्छे करने हैं, और साथ ही साथ आप भी देखोगे। रूम का काम हो गया कंप्लीट, अब नहाती हूँ फ्रेशन अप होने के लिए, ब्रश वगैरह सब बाकी। मैं हो चुकी हूँ रेडी, और आज मैं बना रही हूँ मेरे ब्रेकफास्ट में वेज सैंडविच, जो कि कम्प्लीटली हेल्दी तरीके से बना रही हूँ। और चिकू भी सुबह कुछ भी खाते नहीं है, मैं भी कुछ भी नहीं खाती हूँ, डायरेक्ट लंच ही करते हैं, तो वो चीज़ भी गलत है। ब्रेकफास्ट भी करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि दूध तो हम दोनों ने ही बंद कर दिया है। तो आज ये वेज सैंडविच बनाए हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। मैंने कभी सोचा नहीं था बिगर मेयोनीज के भी इतने टेस्टी वेज सैंडविच बन सकते हैं। आपको कैसे लगे? मस्त लगा, अच्छे लगे ना, और ये एकदम हेल्दी है। तो ब्राउन ब्रेड में बनाए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। अब एक बार मैं मेरा ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, और लंच में मैं आज बना रही हूँ राजमा चावल रोटी। राजमा चावल ही साथ में अच्छे लगते हैं, पर रोटी ऑप्शनल बनानी ही पड़ती है। खाना बन चुका है, और खाना मैं आज यहाँ पर नहीं खा रही हूँ, खाना शॉप पर ले जा रही हूँ, क्योंकि मैंने यानी 11:30 बजे ही तो मैंने सैंडविच खाए थे, तो भूख नहीं है, जब भी भूख लगेगी तब खा लूँगी। तो ये राजमा, तो एक बार मेरा लंच पैक कर देती हूँ और फिर शॉप के लिए निकलना है। शॉप पे एक बार जाके तो आ गई हूँ, क्योंकि मेरी अटेंडेंस लगानी थी, आज मैं लेट हो गई हूँ। हाँ मम्मी आ गई, मम्मी भी आ गई, मम्मी आ गई है। चिकू का लंच हो गया है, मेरा लंच बाकी है, मैं तो शॉप पे जाके करूँगी, क्योंकि अभी भी भूख तो मेरे को नहीं लग रही है, और टाइम अभी हो रहा है 1:30। क्या बेटी, मैं आपका वेट कर रही हूँ। आज तो आप दुबलू दुबलू दिख रहे हो। आज तो आप दुबलू दिख रहे हो, शर्ट पे नहीं, रोज जैसे पोटले नहीं दिख रहे हो। पर तो शॉप पे आ गई, और शॉप पे आने के बाद ये जो कल मेरी रिफिल है वो फिल करने रह गई थी, तो अभी चिकू आए हैं बाहर, तो चिकू से फिल करवाती हूँ, और इसके अंदर जो प्रॉब्लम हो रही है वो भी मैं बता देती हूँ उनको। आओ ना इधर, वो अंदर ही आ जाओ पार्लर में, अंदर ही आ जाओ। अरे काम है, थोड़ा इधर आओ। ये है ना रिफिल, इसके अंदर डालनी है यार, मैंने पहले वाली पूरी लीक हो गई। कंप्लीट, इधर सामने मेरा टेबल आ चुका है, जो कि मेरे अंदर स्टूडियो के लिए मैंने घर से मंगवाया था कल, जिसके वजह से मैं स्टूडियो में शूट भी नहीं कर पाई और मेरा काम भी अधूरा रह गया था। कौन उतारेगा? यहाँ ठेठ अंदर ही ले आओ चुके।
चाबी घूम गई थी, मैंने इसका ड्रॉवर पता है मेरे बालों के पिन से निकाला खोला था। हाँ फाइनली अब मेकअप के ट्यूटोरियल्स बनेंगे क्योंकि इतने टाइम से डिले पे डिले हो ही रहा था और डिले पे डिले नहीं होना चाहिए। मेरा हाथ जब तक लगेगा नहीं तब तक चालू नहीं होगा, अब चालू होगा ही। वो तो आप ही को करना है, पूरा सेटअप होगा वापस। मेकअप करने में मैं कर लेती हूँ पर मेरे लिए सारा मेक चिगू ही करते हैं। इसी रिमोट उधर है, पहले इसको भी पूरा पाइप निकल गया था पूरा डाला सेट किया। ये मेकअप तुम कर दो। हाँ सही जा रहा है, इसको सेंटर लगा था और काफी स्पेस भी बच रहा है आसपास जो वो बहुत ज्यादा जबरदस्ती बढ़ा था। ठीक है ये ज्यादा सही लग रहा है, ओके लेट्स इट गो। अब काम कर भी सही है। हाँ? ओ हाँ चीजें मेकअप के लिए इधर से हट रह जाएगी और इधर से यहाँ डिस्प्ले आ जाएगी। हाँ। देख लो तुरंत जीजे झीरे बंद गाड़ी दबाई का तुरंत फोन किया मैंने खेवाड़ा ऊपर गाड़ी जा उधर गाड़ी क्यों इतनी लेट हो रही आज। ये गैरेज वाले पलटन आ चुकी है हमसे मिलने और ऐसे क्या दे सकते हो गाइस। योर ये टेबल जाएगा बाहर, इस टेबल का काम हुआ कंप्लीट नहीं कर रही हूं बाहर। ये भाभी भी आ चुके हैं और ये भाभी के बाल आज फाइनली कट रहे हैं और भाभी के लिए ज़्यादा छोटे मत करना नहीं मम्मी करते निकाल देगी। हेयर कट हो चुके, कैसे लग रहे हैं आपको हेयर कट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत छोटे बाल सोच के क्या कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, इतने छोटे नहीं करे मेरे को, जैसे चाहिए थे वैसे ही करे। बहुत अच्छे हेयर स्टाइल, जोरदार हेयर कटिंग, सॉरी हेयर स्टाइल बोला मैंने, हेयर स्टाइल अब बनेगी। स्टूडियो पूरी तरीके से जम चुका है और बाहर पार्टी चल रही है। 4 किलो पकौड़ी लाए हैं और अभी तक आई नहीं है। 4 किलो पकौड़ी, 4 किलो पकौड़ी को हाईलाइट किया जा रहा है, इसलिए इनकी शिंका शरीर आप देख सकते हो 4 किलो पकौड़ी जैसा। अभी वैदिक पिलवा के ला रहा है 4 किलो पूरी। तो अभी अंदर तो है कस्टमर, इन सबको करने देते हैं एंजॉय और अपन कस्टमर को हैंडल करते हैं। फाइनली गाइस पकौड़ी आ गई हमारे टू लेते मेन इतने बड़े सिद्धू मूसे वाला तो 500 रुपए की पकौड़ी खा चुके हैं वैदिक जी महाराज और अभी भी जेल में गेट के पीछे छुप रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भैंस को चलने में थोड़ी सी आ रही है तकलीफ, तो जैसे कि हमारे डॉक्टर साहब साथ नहीं खड़े यश और भाभी विक्को वैदिक सब चले जा चुके हैं और भाभी के थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी तो उसके लिए हम गए भी थे मार्केट, जो भी सामान लेना था वो ले लिया। यश और ये सब जने जा चुके हैं, अच्छा भी नहीं लग रहा है और कस्टमर से मैं भी अभी जस्ट फ्री हुई हूँ और अभी टाइम हो रहा है 6 बज रही हैं अभी और स्टूडियो भी चिकू ने कम्प्लीट जमा दिया है, आपको दिखाते हैं जल्दी से जल्दी। तो मैं बैठी बैठी कुछ काम कर रही थी और फिर मैंने सोचा क्यों ना आज मैं हेयर ऑयलिंग करवा दूँ। आज सुबह मैंने सोचा था और आज तो मैंने बाल ही नहीं बनाए क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला है बाल बनाने का, तो आज हेयर ऑयलिंग करवाती हूँ फिर अच्छे से कल हेयर वॉश करवाऊँगी और कल ट्यूटोरियल भी बनने वाला है मेकअप का। कैमरा बैग आ जाया था पर कैमरे से शूट नहीं हुआ है, पर कल ऑफकोर्स होगा और कल सुबह ही लेके आ जाएंगे और आज उसी हिसाब से प्लानिंग से मैं जा रही हूँ। सुबह मुझे कल मुझे मेकअप का ट्यूटोरियल बनाना है, इसलिए बनाना है मेकअप का भी बनाना है, प्रोडक्ट्स का भी ट्यूटोरियल बनाना है जो कि आपके पास बहुत जल्दी से जल्दी आएगा। चलो मैं इतना कैसे पकड़ पाऊंगी? मैं आऊं तो खो देता। अरे यार गेट भी खोलना है मेरे को। मैं जैसे ही सो रही हूँ पूरी। ओ बाप रे चिकू ने इतना सारा सामान पकड़ा दिया मेरे को। नहीं है दादी गई शाबी शाबी ये रही शाबी ये रही। ओ रुको ना मम्मी। ओके चिकू नहीं है चिकू चिकू या बू बू या बू या वो ये वाला तो आपने अच्छे से निकाला, वो वाला ऐसे क्यों निकाला? हाँ उधर छाइद में लग दो, छाइद में लग दो, छाइद में उधर रख दो। ओके चाची हाँ चूस चूस चॉक। तो बाहर ही थी और हिमायरा मुझे मिल चुकी है और अभी हम दोनों
अब डिनर की तैयारी करते हैं, क्या खाना है डिनर में। चिकू तो बोल रहे थे कुछ भी लाइट वेट, क्योंकि सब जनों ने पकौड़ी मंगाई थी तो इनका सबका पेट भर चुका है। इनका तो पेट भर चुका है, कल्याणपुर वाले भी सब पेट फुल होके ही गए होंगे। आज का व्लॉग हिमायरा एडिट कर रही है। चिकू के हाथ की रोटी खाने गई थी क्योंकि चिकू बहुत ही ज़्यादा टेस्ट। क्या कर लिया हिमायरा? धीरे धीरे और ज्यादा लगेगा। ऊंचा कर दो, बेटा गलम लगे जाए ना। हाँ हो गया काम, बस एडिट हो गया। एडिट हो गया, आज का कल देख लेना, अपलोड हो जाएगा। देख लेना कल का व्लॉग, मेरा ने एडिट कर दिया है। आई एम वेरी सुपर सेरी कच्चा धागा रेस लगाता, आई एम वेरी सुपर सेरी कच्चा धागा रेस लगाता, दांत पत्ते तोड़े एक पत्ता कच्चा हिरण का बच्चा, बच्चा गया पानी में पकड़ा उसी नानी, नानी गई लंदन लव लाइट लोगों ने, एक कंगन टूटा नानी का दिल रूठा, हमने खाया चाटा चाटा लगा जोर से, हमने खाया समोसे समोसे सस्ते, लाला जी नमस्ते। तूने पूरा गलत बोला। हाँ कंगन गए टूट, नानी गई रूट, ही माता है। चलो हिम्मी अपन दोनों। आई एम वेरी सुपर सेरी सुपर सेरी बस खत्म। मारा ये क्या था बेटा? पानी पीना है, भू पीना है। तो चुन्नी ओढ़ लो, कैसे ओढ़ते हो आजकल? तो चुन्नी खेलने की बड़ी शौकीन हो गई है, जहाँ मिलती है वहाँ ओढ़ के घूमती है मस्ती। शर्म आ गई, बस ज्यादा फुटेज नहीं देती हूँ मैं। हिमी आप मेरे पास कब से आते हो? कुछ भी। R4? यामा। तो जितने भी क्लचर मिल रहे हैं सब बालों में डलवा रही है, और जा जाके फिर कांच में देख रही है कि मैं कैसी दिख रही हूँ कैसी दिख रही हूँ। और ये कैमरे का लेंस भी पूरा इसी ने बिगाड़ा है। अभी नहीं होती हूँ तो देखती, इसे टच कर करके देखती है। खोल दो, लो बाल मत खींच, लग जाएगी। इसकी मम्मी बोले कि तक माथे में मक्खन लगवाई साइड रख। अभी मैंने बना दिया है हमारा डिनर, और डिनर में चिकू ने बोला था बिल्कुल हल्का फुल्का बनाना, तो वैसे ही मैंने आज वेज पुलाव बनाए हैं। मम्मी पापा को भी आज वेज पुलाव यानी खिचड़ी खानी थी, पर खिचड़ी कम वेज पुलाव थोड़ा मिक्स टाइप का बनाया है और अच्छा भी लगता है टेस्ट में। ये हमारी पुलाव बन गई है खिचड़ी, बस थोड़ी सी वो पानी हल्का हल्का सा अंदर टाइटेड हो गया, वो रीमा जाए अच्छे से। मम्मी बोलते हैं रीमा बद जवान थोड़ी सी है, तो बस उसी को रीमा ने देती हूँ। तो ये हमारी खिचड़ी लेके आ गए हैं, मौरवी भी इंजॉय कर रही है, हिमायरा तो खिचड़ी और थोड़ा मखाना दोनों इंजॉय करेगी, क्योंकि इसको अब चावल ऐसे खाती तो है मेरे साथ, पर अब इसको भाग नहीं भाई कुछ फिक्स नहीं है, पर मखाना थोड़ा दे दिया इसको। और यहीं पर कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में। ओके बाय। बैठ जाओ बेटा, पालती मार के बैठो, पालती मार के। इसे थोड़ी सी प्लेट खींच कर, तू थोड़ी सी खींचा जाओ बेटा।